Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अमित चौधरी ने अपने कीमती 10 साल मेरठ के विद्या मंदिर प्रकाशन को दिए थे। लॉकडाउन के बाद कॉस्ट कटिंग का खेल शुरू हुआ तो अमित चौधरी को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। जरिया बने HR मैनेजर नेहा गौतम, CTP इंचार्ज यशपाल सिंह और गौरव माहेश्वरी। अमित गड़गड़ाया कि अकेले उसे हटाने से इतनी बड़ी कंपनी को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन विद्या मंदिर प्रकाशन मैनेजमेंट का दिल नहीं पसीजा और अंत में सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर अमित चौधरी ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या को उसने कत्ल की संज्ञा देते हुए इसके लिए इन तीनों को जिम्मेदार बताया है। यह बात और है कि बिना मैनेजमेंट की इच्छा के अमित चौधरी को तो नौकरी से नहीं निकाला गया होगा। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई वीडियो यह साबित करने के लिए काफी है कि बाल बच्चेदार व्यक्ति को नौकरी के लिए कितनी जलालत झेलनी पड़ती है और कितना उसका शारीरिक शोषण किया जाता है। अमित चौधरी मेरठ भोला रोड स्थित शिव कुंज कॉलोनी में रहते थे, विद्या मंदिर प्रकाशन में कार्यरत थे। विद्या मंदिर प्रकाशन द्वारा विद्या मॉडल पेपर व बुक्स का प्रकाशन किया जाता है। आइए पहले देखते हैं सोशल मीडिया पर अपलोड वह वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अमित चौधरी आज इतना परेशान हूँ कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। जिंदगी से तंग आ गया हूँ मैं, और सबसे ज्यादा तंग करने वाले इंसान हैं 3, जिन लोगों ने बार बार मुझे मजबूर किया है कि मैं ऐसा कदम उठाऊं। यशपाल सिंह, गौरव माहेश्वरी और नेहा गौतम, ये तीनों मेरी कंपनी में ही हैं। इन तीनों ने मिलकर पहले 2017 में भी मेरा हिसाब करवा दिया था, मुझे नौकरी से निकलवा दिया था। उसके बाद पता नहीं कैसे 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 उनके 2018 में मैं फिर दोबारा नौकरी पे लगा। कुछ महीने पहले, 5 महीने पहले ही एम्स में मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ है। जब से मैं छुट्टी पे चल रहा था और अभी 9 तारीख से ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी थी। मैं काम पे अपने आ रहा था, पता नहीं क्यों आज नेहा गौतम ने मुझे काम पे आने से मना कर दिया। इस कारण मैं खुदकुशी कर रहा हूँ और इसके जिम्मेदार ये 3 लोग हैं, नेहा गौतम, गौरव माहेश्वरी और यशपाल सिंह, जो तीनों ही विद्या प्रकाशन के एम्प्लॉय हैं। इन्होंने मिलकर मुझे इस खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया है। यशपाल भैया, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अमित तुम्हें भैया ही भैया कहवे? इतने साल हो गए साथ में काम करते हुए और तुमने मेरे पेट पर लात लगवा दी। पहले भी तुमने ऐसी करा था, कह कह जबरदस्ती जयवीर से कह कह के तुमने मेरा हिसाब करवा दिया गौरव के साथ मिलकर, फिर तुमने ऐसी चाल चली है? क्यों करा तुमने ऐसा? अगर मैं तुम्हारे घर से थोड़ी खा रहा था, अपना कर रहा था, अपना ले रहा था, तुमने क्यों मेरा हिसाब करवाया? दोबारा बताओ, दो बार तुमने ऐसी करा? अगर तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हो जाता जब तुम्हें कैसा लगता, ये बताओ? मैं इतना मजबूर हूँ, इतना परेशान हूँ, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा करा? अगर गौरव भाई, तुमने एक बार भी नहीं सोची कि अमित की क्या हालत है, इसके साथ क्या बीत रही है? हैं, तुमने भी 2 मिनट में मेरा हिसाब करवाने में इनकी सहायता कर दी, क्यों करा तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरे मरने के बाद जिन लोगों ने मुझे मरने के लिए मजबूर करा है, उन लोगों को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। यशपाल सिंह, गौरव माहेश्वरी और नेहा गौतम, मैं मेरठ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से यह विनती करता हूँ कि इन पर मेरी हत्या का मुकदमा चलाया जाए। मुझे सुसाइड करने के लिए इन्होंने टॉर्चर किया, इन पर मुकदमा चलाया जाए मेरी हत्या का, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी खोना नहीं चाहता था। इन्होंने मुझे मजबूर कराया था करने के लिए, मैं मरना नहीं चाहता था। मेरे साथ इतने बड़े बड़े दुख हुए जिंदगी में, कभी मैंने मरने की नहीं सोची, लेकिन आज इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा करने के लिए। संपूर्ण घटनाक्रम का बेहद संवेदनशील व गंभीर पहलू यह भी है कि अमित चौधरी के परिजनों की घंटों बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, वह थाने पर जमा है। आरोप लग रहे हैं कि पैसे के बल पर इस मामले को भी दबा दिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या बता रही हैं अमित चौधरी की बहन आशा चौधरी।
मेरे भाई ने कल सुसाइड करने की कोशिश की थी कल शाम के टाइम, और वो रात को ही ख़त्म हो गया। सारी रात मेरा यहाँ पे थाने में आज 5वां चक्कर है। चौकी पे मैं कितनी बार जा चुकी हूँ, अब लग हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है कहीं भी, बिल्कुल भी। क्यों नहीं हुआ है दर्ज? उसने उसके वहाँ पे ऑफिस में विद्या प्रकाशन में वो जॉब करता है, वहाँ उसके साथ में कुछ कल कहा सुनी होगी थी मालिक से, वर्करों से, साथकों से। उसने फेसबुक पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें उसने सब लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी है, बोला हुआ भी है सब कुछ। तो क्या मानते हैं, कौन दोषी है? वे हैं चारों दोषी। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या, न्याय मिलना चाहिए। उधर खासी मशक्कत के बाद पीड़ित परिजनों की तरफ से दोपहर बाद रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। टीपी नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट में आरोपी के रूप में यशपाल मलिक, नेहा गौतम व गौरव माहेश्वरी के अलावा विद्या प्रकाशन का मालिक लिखा गया है। मालिक के नाम को यहां पुलिस द्वारा बेहद ही शातिर तरीके से छिपा लिया गया है। इस खबर पर रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।